हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल एमटी बाइक टाइजन। कैसे हो आप लोग? जबरदस्ती होंगे। जिसने भी मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है उनको पता रहेगा कि मेरा बाइक डिलीवरी हुआ था और बाइक डिलीवरी के वक्त ना मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, तो मैं सोचा इस टॉपिक के ऊपर ना एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाओ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब आप बाइक लेने जा रहे हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और आगे जाके आपको पता चलेगा क्या सीन होने वाला है। ठीक है, सो ये ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे आप बाइक ले रहे हो, कार ले रहे हो, ट्रेन ले रहे हो या हेलीकॉप्टर ले रहे हो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी फ्लो में ज्यादा बोल गया, कोई नहीं। सो कुछ भी आप गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं इस वीडियो में सारा क्लिप डाल दूंगा जो सारा डिस्कशन हुआ उस शोरूम में और सेल्स लोगों के साथ। ठीक है, समझ गया। तो अभी बात ऐसा है कि यस्टरडे नाइट हम बाइक लेके आए और टाइसन का पूरा सत्यानाश हो गया, मतलब पूरा मिट्टी ही मिट्टी हो गया। तो हम क्या किए, उसको रख डाले। आज हम उसको नहलाए धुलाए, अच्छे से उसको पोछा मारा, देन उसको लेके गए पूजा करने। वो क्लिप्स मैं अभी डाल दूंगा, आप देखिए, पहले वॉशिंग का देन पूजा का। तो फाइनली मेरे टाइजन का पूजा हो गया, और अभी ऐसा लग रहा है कि टाइजन मेरे घर का मेंबर है। सो थैंक यू गॉड। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए ये वीडियो बना है, तो ये वीडियो बना है एक प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मेरे साथ उस टाइम हुआ था, और अगर मैं वहाँ पे बात नहीं करता इस प्रॉब्लम के बारे में देन मैं ज़रूर फंस जाता। आप सुने रहेंगे, हम जब गाड़ी लेते हैं एक चेक करते हैं, उसको बोलते हैं PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो वो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी वहाँ पे वो चीज़ किया और वो लोग मेरे को बोलते रहे कि हमने PDI करके रखा हुआ है। बट PDI वो लोग तो जो किए हैं वो छोड़ो, क्योंकि वो बस आउटर बॉडी का PDI करते हैं, बट गाड़ी चल रहा है या नहीं, उसमें डिफेक्ट है या नहीं, वो सब वो चीज़ नहीं करते। तो हम कस्टमर लोगों का, जो भी जाता है गाड़ी लेने ना, वो उसका राइट्स होता है कि वो PDI करे। PDI करने के बाद ही चाबी हैंडओवर ले, क्योंकि एक बार आप चाबी हैंडओवर ले लिए तो भाई उधर ना कोई आपको भाव नहीं देता है। पहले तो सर 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 करते रहते हैं, उसके बाद अगर आपको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया और बाद में आप उनके पास जाते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते और बोलते हैं कि भाई आपने ही ख़राब किया होगा। तो इसलिए PDI इज़ अ मस्ट, वो आप करके अपना गाड़ी लीजिए। तो मैंने जब अपना गाड़ी का PDI किया ना, तो मुझे क्या पता चला, आप इधर देखिए इस क्लिप में। तो गाइज, हमारा एक प्रॉब्लम आ गया है गाड़ी में ना, जो वाई कनेक्ट वाला जो ऐप है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है ब्लूटूथ डिवाइस से। तो देखते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं दूसरे मोबाइल में करने के लिए, अभी पता नहीं गाड़ी में प्रॉब्लम है या नेटवर्क में प्रॉब्लम है या फिर हमारे वो डिवाइस में का प्रॉब्लम है। सो चेक कर रहे हैं दूसरे वाले मोबाइल में, और चेक करके आपको बताते हैं कि ये सही है या नहीं। नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो जैसा आपने देखा कि गाड़ी में वो जो वाई कनेक्ट ऐप होता है यामा का, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था बाइक के साथ, क्योंकि उसके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम था और वो
मतलब हम लोग बोल बोल के थक गए फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग कभी भी अपना यू नो दोष नहीं देंगे कि हमारे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। वो मेरे को फालतू में इधर उधर की बातें करते रहे और मेरे को घंटों वेट करने के लिए बोले और वो चेक करते रहे, बट फिर भी उनको कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइज अपना डिवाइस में ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे कनेक्शन का इशू आ रहा है। हम लोग दो दो फोन चेक कर चुके हैं पर स्टिल ये इशू यहाँ देख सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी पता नहीं ये एक गाड़ी में प्रॉब्लम है या ऐप में प्रॉब्लम है। और बीच में क्या बोल रहे हैं कि सर आपका ना फ़ोन ख़राब है। देखो बात, मतलब क्या है ये, मेरा फ़ोन ख़राब है, मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब है, ठीक है मेरा फ़ोन ख़राब है मैं मान लिया, मेरा दोस्त का फ़ोन ले लो। मेरा दोस्त का फ़ोन भी लेके वो लोग चेक किए, उसमें भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है हम दोनों का ही फ़ोन ख़राब है, मतलब तुम्हारा गाड़ी सही है बट हमारा सारा फ़ोन ख़राब है क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसी दौरान ना और एक बाइक वहाँ पर डिस्पैच हुआ और उसके ओनर के साथ मैंने बात किया और उधर मेरे को क्या पता चला आप इस क्लिप में देखिए। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो और एक एमटी अभी हमारे सामने 2 मिनट के बाद ही डिलीवर हो रहा है और उनका कनेक्ट हो गया। तो ऐप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मुझे लग रहा है कि डिवाइस में ही प्रॉब्लम है। सो अभी तो ये चेंज करना पड़ेगा डिवाइस। भाई ने बोला करने का तो करने का, क्योंकि अभी हमारे सामने ही ये गाड़ी जा रहा है और ये कनेक्टेड है। सो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ऐप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे सॉकेट पे लूज कनेक्शन है। असंभव, असंभव, बेचारा असंभव। जैसा कि आपने देखा इस क्लिप पे, वहाँ पे जो ओनर थे वो उस गाड़ी का, उनसे मैंने बात किया और उनसे पता चला कि 10 मिनट में वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया उनके फोन से। तो वहीं पे हमको कंफर्म हो गया कि भाई ऐप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो वो लोग बोल रहे थे, हमको इंसिस्ट कर रहे थे कि ऐप में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप ना कल आ जाइए और चेक कर लीजिए। भाई मेरा, मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ बार बार जाने के लिए, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मेरे को दूसरा काम भी रहता है, मैं गाड़ी लेके घर आने वाला था और मैंने फुल पेमेंट भी किया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे गाड़ी भी ना परफेक्ट कंडीशन में चाहिए। तो वही चीज़ मैं उनसे बात किया और लकीली उस टाइम भगवान का कुछ तो मतलब दया है मेरे ऊपर, जो कि उसी टाइम वो गाड़ी डिस्पैच हुआ और वो कनेक्ट हुआ और मैं वहाँ पे कंफर्म कर पाया कि नहीं ऐप सही है। तो ऐप अगर सही है और फ़ोन सही है तो मतलब डिफेक्ट कहाँ पे, गाड़ी में। तो ये चीज़ सुनने के बाद ना वो तुरंत अपने सेल्स पर्सन के पास गए। गाड़ी के शोरूम के थोड़ी दूर में ही वो सेल्स एंड सर्विस का होता है, तो वहाँ पे वो लोग गाड़ी लेके गए। तो वो लोग आए गाड़ी लेके और मेरे को एक्सप्लेनेशन दिए कि क्या क्या सीन हुआ है और क्या उसमें एरर था, क्या प्रॉब्लम था। तो वो वाला क्लिप मैं अभी डाल रहा हूँ, उसको आप देखिए। तो इंजीनियर साहब अभी गाड़ी लेके आए हैं चेक करवा के, लेट्स सी अभी कनेक्ट होता है कि नहीं। हो गया, बढ़िया। क्या प्रॉब्लम हुआ था सर? नहीं नहीं ऐसा होता है ना कि सामान ले रहे हैं तो हमको ना स्टार्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ अच्छा, कस्टमर ना आई शुड प्रीफर कि मैं पैसा फुल दे रहा हूँ और मेरे को नया जब गाड़ी ले रहा हूँ तो परफेक्टली चाहिए होता है कि नहीं। Exactly, हाँ यही चाहता है। Later, after 2 days, customer after
after upgradation, I mean, customers, they themselves have got installed. Okay. So that's the reason, like, you know, we thought maybe that is the, I mean, issue. So we asked you to... So tell me one thing, Surya, like, I can assure ki next time ye problem nahi hoega isme. Matlab jo abhi error to something resolve ho gaya, to usme kuch bhi nahi. अच्छा तो उसमें कुछ कट वट नहीं हुआ ना वो जो अभी लेके गए थे थोड़ा चेक कीजिए तो any cut or something nothing gotcha. okay see that was the thing like you see human I mean you have asked for this correct ha I mean you were not under priority still like you know you said like you know I mean you have come all the way I mean searching Bangalore correct hum log kya hai na customer ko 100% I mean satisfy karne ke liye hum log use hai right but there are some human error bhi ho sakta hai सही है नहीं सर्विस ना ऐसा ही होना चाहिए करेक्ट और सूर्य भाई को पता है कि हम लोग कितनी दूर से आए हुए हैं यू नो राइट हाँ इंदिरा नगर में पार्टी दिलाने के बड़ा हरामी हो बेटा तो जैसा आपने देखा वहाँ पे ये लोग पूरा जस्टिफाई किए कि क्या क्या प्रॉब्लम था और कैसे वो उनको रिजॉल्व किए तो वही चीज़ आपके साथ भी हो सकता है और जब ये चीज़ मेरे साथ हुआ ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया आई वॉज अबाउट टू लूज माई टेम्पर बट लकीली वो लोग उसको रिजॉल्व कर पाए और क्या एरर था क्या नहीं वो सारा चीज़ आपने देखा वो लोग पूरा जस्टिफाई किए तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपके साथ भी हो सकता है तो आप जब भी गाड़ी लीजिएगा ना उसका PDI करना नहीं भूलिएगा एटलीस्ट आप टेस्ट ड्राइव लेके एक बार देख लो कि आपका गाड़ी सही है कि नहीं उसके बाद जाके आप चाबी हैंड ओवर लो वरना आप चाबी हैंड ओवर बिल्कुल भी मत लो बात तो सही है तो फिलहाल गाड़ी तो हमारे पास आ गया है और सही सलामत है मतलब अपना टाइसन पूरा एकदम जल रहा है नहाने के बाद ना एकदम रापचिक दिख रहा है वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो वो सब आपके हाथों में है और आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ना अच्छा अच्छा कंटेंट आगे जाके मिल सके क्योंकि अभी तो मेरे पास गाड़ी आ गया है तो अभी गाड़ी के साथ ना बहुत सारा चीज़ हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है एक्सपेरिमेंट इन द सेंस मैं गाड़ी का बहुत सारा मॉडिफिकेशन आगे लेके आने वाला हूँ और मोटो ब्लॉगिंग तो शुरू होने वाला है तो यही है बस इस वीडियो का और ऐसे ही आप मेरे को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यस हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन नाउ सो दैट आगे जाके जो भी वीडियो आए ना वो आपको तुरंत पता चले और आप तुरंत ही देख पाए उसको सो यही है बस इस वीडियो में राइड सेफ एंड हैव फन ओम साई राम अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।